हेलो एवरीवन, आई एम काजल पंचोली। वेलकम टू माय चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एडवांस वेडिंग हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ। बिगिनर्स हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है वीडियो में कि लाइन कैसे क्रिएट करना है। बहुत ईजी है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉक्स सेक्शन में थोड़े से हेयर और ईयर टू ईयर थोड़े से हेयर निकाल कर पौनी बना ली है बाकी के हेयर की। और अब मैं जो बॉक्स सेक्शन है उसको मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ फाइन फाइन लेयर लेकर। फाइन लेयर लेंगे तभी अच्छे से बैक कॉमिंग होगी। आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच का ही बैक कॉमिंग किया है। मुझे ज़्यादा बड़ा पफ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेयरिंग करनी है। तो अब मैं स्प्रे करके थोड़ा सा फिनिशिंग करके जो बैक कॉमिंग वाले हेयर है इसको सिक्योर कर रही हूँ। और इसके बाद जो बाकी बचे हेयर हैं आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ज़्यादा हेयर बचा के रखे हैं ताकि अच्छे से पुलिंग कर सके और जो बैक कॉमिंग वाले हेयर है वो विजिबल ना हो। तो स्प्रे करके मैं फिनिशिंग कर रही हूँ हेयर के ऊपर और इसको मैं स्टिक की हेल्प से क्योर कर रही हूँ, सिक्योर कर रही हूँ, जिससे कि जो हेयर हैं वो लॉक हो जाए और मैं अच्छे से लाइन क्रिएट कर सकूँ। बहुत ईजी है लाइन क्रिएट करना। थंब और फिंगर की हेल्प से मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप जितना डिस्टेंस में क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं मीडियम डिस्टेंस रख रही हूँ, बहुत दूर दूर भी नहीं लेके जा रही हूँ और बहुत नज़दीक भी नहीं पुलिंग कर रही हूँ। तो ऐसे पुलिंग करने के बाद स्प्रे करते जाइए उसी एरिया पर जिस एरिया पर आपने पुलिंग की है। बाकी के एरिया पर आप स्प्रे नहीं करेंगे, नहीं तो हेयर जो है वो फिक्स हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, उसके बाद आप पुलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरे हेयर में पुलिंग कर ली है। राइट साइड की कंप्लीट हो गई है और अब मैं लेफ़्ट साइड भी पुलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने स्प्रे कर दिया है और अब बैक की साइड में थोड़ी सी लेयर क्रिएट करूँगी। जो लाइन मैंने क्रिएट करी है उसी के अकॉर्डिंग मैं टेलकॉम की हेल्प से लाइन क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्प्रे करूँगी और स्प्रे करने के बाद मैंने रबर बैंड में दोनों तरफ पिन लगाकर जो हेयर हैं उसको लॉक कर दिया है ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और स्टिक मैंने निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है पफ में लाइन क्रिएट करना। आप कहीं भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, पुलिंग कर सकते हैं इजीली। और अब फाइनली मैंने स्प्रे कर दिया है ताकि हमारा जो ये लाइन जो हमने क्रिएट की है वो फिक्स हो जाए और यू पिंस जो हैं वो मैं निकाल रही हूँ। और अब मैं फ्रंट की साइड पर जो हेयर हैं उसमें वेरिएशन कर रही हूँ। इसमें मैं पूरे हेयर नहीं लूँगी, थोड़े से हेयर मैंने लिए हैं और यू पिन की हेल्प से सिक्योर करने के बाद मैं अब पुलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है पुलिंग करना, आप भी ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। पुलिंग करने के बाद तुरंत आप हार्ड स्प्रे का यूज़ करें। आपको लगता है कि ये सही हो गया है तो इसके बाद तुरंत आप हार्ड स्प्रे कर दें हेयर के ऊपर, लेयरिंग के ऊपर, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी लेयर ली है मैंने। 3 पार्ट में लेयरिंग को डिवाइड कर दिया है फ्रंट की लेयर को। आप चाहें तो 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में भी मैंने लेयरिंग कर दी है इजीली और इसे यू पिन से सिक्योर कर रही हूँ और स्प्रे कर रही हूँ। और अब मैं 3rd पार्ट जो बचा है उसको भी लेकर यू पिन से होल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले आपको हेयर को यू पिन से होल्ड करना है, बॉबी पिन यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आप पुलिंग नहीं कर पाएंगे। तो यू पिन से होल्ड करना है, इसके बाद लेयरिंग करनी है और इसके बाद आपको यू पिन लगा लेनी है ताकि जो लेयर हमने क्रिएट की है वो फिर से बैठ ना जाए। और इसके बाद स्प्रे कर देना है, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने जो पौनी की थी उसके नीचे बन लगा रही हूँ और उससे यू पिन से सिक्योर कर रही हूँ। सिक्योर करने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। मैंने वीडियो में नहीं बताया है लेकिन आपको स्प्रे करना है जिससे कि जो बन है, बन के ऊपर जो हमने यू पिन्स लगाई है वो हिले ना अपनी जगह से। तो इसके बाद ऊपर मैंने हेयर को कवर कर दिया है बन के ऊपर और इसके बाद भी मैंने स्प्रे किया था। और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इसकी वजह से मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है।
और बाकी जो बचे हेयर हैं उसको भी मैंने यू पिन से होल्ड करके फिर लाइन क्रिएट की है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऐसे ही ट्विस्ट करते जाएंगे हम और लेयर्स क्रिएट करते जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में जो हेयर बचे थे उसमें भी मैं होल्ड करके लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो लेफ़्ट साइड के हेयर हैं फ्रंट के, वहाँ पे भी मैं वेरिएशन करूँगी, वहाँ पे भी मैं लाइन क्रिएट करूँगी। यहाँ पे भी आप जैसे चाहे वैसे वेरिएशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे भी मैंने टू पार्ट में हेयर को डिवाइड कर दिया है और फर्स्ट लेयर पे मैंने थोड़ा सा स्प्रेडिंग करके, कॉम्ब करने के बाद स्प्रेडिंग करके फिर यू पिन से मैंने होल्ड किया है और इसके बाद मैंने लाइन क्रिएट कर दी है। ये जो लेयरिंग वाली हेयर स्टाइल होती हैं बहुत ही इजी होती हैं। आपको देखने पर हार्ड लगेगा लेकिन आप जब हेयर स्टाइल करने बैठेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगने लगेगा। अगर आपके पास डमी है तो आप डमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर डमी नहीं है तो आप घर के किसी मेंबर के हेयर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको आ जाएगा लेयरिंग वाली हेयर स्टाइल करना। और ये दूसरी वाली लेयर को भी मैंने यू पिन से क्योर कर दिया है। यू पिन से आपको टाइट क्योर नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है जिससे कि आप इजीली लाइन क्रिएट कर सकें। जैसे ही आप क्योर करें इसके बाद आपको शाइन स्प्रे का यूज़ करना है या फिर जो नॉर्मल स्प्रे आता है वो, इसके बाद आपको लाइन क्रिएट करना है तो इजीली लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप यू पिन लगा लेंगे, यू पिन लगाने के बाद आपको हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है ताकि वो फिक्स हो जाए जो भी आपने वर्क किया है, लाइन क्रिएट की है। और अभी ये जो बाकी हेयर जो बच गए हैं उसे मैं लास्ट, ये जो लेयर हैं वो क्रिएट कर रही हूँ, लास्ट सेक्शन है। इसके बाद मैं फ्लावर बनाने वाली हूँ जो हेयर बच गए हैं उससे। फ्लावर, रोज़ फ्लावर बनाना भी बहुत इजी है क्योंकि ये थोड़े से ही हेयर बचे हैं तो ये बड़ा फ्लावर क्रिएट नहीं किया है मैंने, छोटा सा ही फ्लावर यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो बाकी बचे हेयर से आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो लास्ट में फ्लावर क्रिएट करने के बाद ये मेरी हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। आपको मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। हमारी और 3 चैनल हैं उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।